Assalamualaikum, subah khair from Pakistan, Gujranwala। मैं अभी भी तो नहीं सोया, उठा तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन ये कि बिस्तर से बाहर जो है वो मैं अभी काइंड ऑफ निकला, इनके कंबल मैंने अभी उतारा है। नाश्ते का जितना वेट करना पड़ा था, आज का नाश्ता उतना जल्दी आ गया। नाश्ते में जी हमारे पास पराठाज शरीफ, चाय और साथ में सालन गोश्त का, माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि बिना हाथ मुँह धोए जब वो नाश्ता करना कोई अच्छी बात नहीं है, तो मुँह हाथ धोए वीडियो तो मैंने वो क्या उसके बोलते हैं बिना मुँह हाथ धोए शुरू कर ली, निहार हुई। लेकिन ये है कि नाश्ता जो है एटलीस्ट वो मुँह हाथ धो के थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो ज़रा मुँह हाथ धो के आते हैं, नाश्ता काफ़ी ठंडा हो चुका है ऑलरेडी, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, मज़ीद ठंडा हो लेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। मुँह हाथ धो के फिर इंशाल्लाह नाश्ता जो है वो शुरू करते हैं, फिर चलते हैं परिंदों को भी जाके कुछ खिलाना पिलाना है। कल पहले उनको खिलाया था, फिर मैंने खाया था, आज पहले मैं खा रहा हूँ और बाद में उनको खिलाऊंगा। तो ले जी, मैंने जो है वो फेस वॉश कर लिया, थोड़ा बहुत चिटे चिटे लग रहा हूँ ना, फेस वॉश भी कर लिया और जो मतलब थोड़ा बहुत करना होता नाश्ते से पहले वो कर लिया और फ्रेश हो गया थोड़ा बहुत। और अभी ऐसा है कि सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मालिक को सानू जरा भी वो रोटी पानी जरा गर्म कर दो, तो वो कहते अच्छा कर देते हैं। तो नवाजिश उनकी वो बरकफ ले गई हैं बाजी अब गर्म करने के लिए, तभी गर्म करके लाती हैं, तो फिर जब मैं नाश्ता करता हूँ तब तक जो है वो एक मिनट मुझे और वेट करना पड़ेगा। मौका जो है वो गुजरता जा रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी जो है वो आज हो रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये कि चलते हैं उस घर में और जाके देखते हैं कि परिंदों की क्या सूरत हाल है। बर्ड्स को भी जी गुड मॉर्निंग। और दाना पानी जो है वो वैसे तो ठीक है, लेकिन ये कि फिर भी जो है वो चेंज कर लेते हैं। और मैं भी आया हूँ, तो अभी जो है ये फीमेल जो बर्ड है ये दाना खाने लग पड़ी, पता नहीं ये रोशनी का वेट करते हैं दाना खाने में या क्या रीज़न है, लेकिन ये कि अभी खा रहे हैं। और मेल भी जो है वो नीचे आ गए, ये माशाल्लाह खा रहे हैं। हम बात करें बड़े केज की, तो ये केज जो है वो करीब करीब हम इसको कह सकते हैं कि 40% जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, बाकी जो अभी रहता है। इनके ऊपर वाली जाली जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, बस उसकी फिनिशिंग वगैरह थोड़ी सी रहती है, और नीचे वाली जाली जो है वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी है, दरवाज़ा लग चुका है, दरवाज़ा के इधर साथ जो है वो एक्सपोर्ट हो लगेगी और उसके बाद जो है वो बाकी की जाली सेट हो जाएगी। और मौसम जो है वो आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले की नस्बत से, इनके कल जो है वो सारा दिन तकरीबन धूप निकली नहीं थी, परसों कुछ टाइम धूप निकली थी, उसके बाद जो है वो धूप गायब हो गई थी, अभी जो है वो धूप निकली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो और हवा भी जो है वो तकरीबन चल रही है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको कह सकते, लेकिन ठंड में जो है वो इतनी हवा भी काफ़ी होती है। अब तक की मौसम की सूरत हाल मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। और मेरा भी इरादा ये बन रहा है कि हम जब वो कुछ टाइम के लिए धूप में बैठते हैं, क्योंकि सुबह से जब वो अंदर ही था, बाहर निकला ही नहीं था, कल भी जब वो काफ़ी सारा वक्त मेरा अंदर ही गुजरा था क्योंकि धूप जो है वो ऐसा निकली नहीं थी, तो अभी ज़रा धूप में चेयर निकाल के तो इंशाल्लाह बैठते हैं। चेयर तो ये देखे नहीं, मैंने जब पक्की पक्की रखी हुई है किसी चेयर, एक हाथ से उठाया और उठा के तो ये बाहर वक्त करीब हो गया एक का, और मैं जो है वो ज़रा इस साइड पे आकर धूप में बैठे थे, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठता था वहाँ पे जो है वो धूप ख़त्म हो गई थी, साइड पे धूप जो है वो ख़त्म हो गई थी। और अब्दुल्ला जो है वो नंगे पैर ही घूम रहा है, इसको काफ़ी दफ़ा कह रहा हूँ अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ, सुन ही नहीं रहा। बाइजमत गए थे तलहा को छोड़ने के लिए और अभी तक जो वापस नहीं आया, तो इसलिए अभी तक जो वो काम वगैरह भी आगे शुरू नहीं किया, जितना कल तक किया था वही काम किया, और मुझे लग रहा है कि आज जो वो काम हो सकता है ना हो, क्योंकि बाइजमत जो वो अभी तकलीफ नहीं करवा रहे हैं, इसके बाद वक्त जो वैसे थोड़ा रह जाता है, तो अब देखते हैं क्या बनता है, जो भी होगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये सोचा था कि अगर काम जल्दी कंप्लीट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, बंदा जब वो आगे प्लान करता है कुछ, और परिंदा जब वो छोटे से केज के अंदर है, मुझे तो छोटा लग रहा है वो, उनके लिए घर से काफ़ी है, लेकिन ये कि बड़े केज में होंगे तो ज़रा खुशी खुशी फ्लाई फ्लोई कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तो उनकी सूरत हाल, अगर वो कहीं मिस्टेकनली खुल भी जाते हैं तो वो ज़्यादा फ्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जर सी बात है नस्ल दर नस्ल जो है वो इसी तरह से रह रहे होते हैं, तो ये केज से बाहर जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे कि इनको जो है वो आज़ाद छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, तो ये कि ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरह से देखे हैं जो कुछ टाइम उड़ते हैं फिर गिर जाते हैं, कवे उन्हें मार के खा जाते हैं, या इस तरह से समथिंग लाइक दैट हो जाता है, इनके हमारे एरिया के अंदर कवा होता है बड़ा परिंदा, तो वो जो इन्हें मार के खा जाता है, उसके अलावा या वो ना हो तो फिर ये वैसे भूख की वजह से मर जाते हैं, तो इसलिए जो है वो इनके लिए बेहतर यही होता है कि इनको जो है वो केज में ही रखा जाए और अपनी इनके
सरप्रस्ती में रखा जाए इनको और दाना वगैरह जो है वो खुद से डाल दिया जाए। हिजमत को जो है कॉन्टैक्ट किया मैंने और भाई हिजमत जो है वो इस टाइम अपने एक दोस्त के पास बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं और मेरे भी जो मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो चुकी है और हवा भी जो है वो चल रही है काफ़ी ठंडी ठंडी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके अब कुछ टाइम के लिए अंदर बैठता हूँ बिस्तर में, गर्म गर्म बिस्तर में। जैसे ही बैजमत आता है फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कोई अगर जुगाड़ बनता है तो हम लोग जो है वो केज का काम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज कल से ही क्या हो सकता है। अब से आके मैं लेटा हुआ था और मैंने जब वो चाय मंगवाई, मगर आपको वो दिखाता हूँ पहले, देखें ये चाय पड़ी हुई और एज इट इज ही पड़ी हुई है, मुझे याद ही नहीं था पीना, मतलब है ना मसरूफियत की इंतहा कि चाय मंगवा के भी जब मैं नहीं पी सका। मैं एक्चुअली कंबल के अंदर लेटा हुआ था और मुझे जब ठंड लग रही थी तो मतलब दिल ही नहीं किया कंबल उठाने का, और फिर मैंने कहा ठहर के पीता हूँ तो वो करते करते जब याद ही नहीं रहा, और अभी जब ऐसे पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है, बस ठंडी तो जब पी नहीं जानी, तो एक बार फिर से तरला मारते हैं, हो सकता है हमें दोबारा जब चाय गर्म होकर मिलते, नहीं तो फिर शाम को चाय पियेंगे। और तब तक जो है वो हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि भाई इसमें जो वो आगे हुए हैं और वो कह रहे थे कि मैं शुरू करने लगा काम, तो आ जाओ उधर आप भी, और मैं कह रहा था कि आप चलें और मैं आया और मैं अभी तक इधर ही हूँ, तो जल्दी से चलते हैं उधर। सोचा था कि भाई मैंने काम जो है वो नज़दीक लगा लिया होगा और भाई मैं भी इधर ही बैठा हूँ, तो आपने शुरू नहीं किया, मुझे तो कह रहे थे मैं करने जा रहा हूँ, आ जाओ। मैं असल में ठंड बहुत ज्यादा, तो इसलिए जब इंसान लेजी हो जाता है। आज मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है। अच्छा चलें भी चलें उधर, चलें आज चलते। फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं इधर, फाइनली जी हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो गया और वक्त करीब हो चुके हैं 3 के। आज का टास्क है इसके अंदर दरवाजे के सामने वाला एक पाइप लगाना है और जाली जो है उसको फाइनल टच देना है ना बिजमत, इंशाल्लाह। अजान असर जो शुरू हो गई है और अब्दुल्ला शरीफ भी आ गए और हम लोग जो है वो जाली जो नीचे वाला पोर्शन है उसका करीब भी फाइनली जो है वो लगा रहे हैं, ऊपर वाला भी जो फाइनल हो गया, बस इसको जो है वो इसके साथ अटैच करना थोड़ा ज़रूरी है। ओ क्या किया अब्दुल्ला ने, कर दिया। क्या कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिए कि छी कर दिए, छी कर दिए। अच्छा चल ठीक, शी करना अब्दुल्ला ने, नहीं करना, पोती करनी है, कर लिए, चलो गुड। आज जो है वो माशाल्लाह भाई हिम्मत सर फेंक के काम कर रहे हैं बड़े दिलो जहाँ से, होप्स हो कि आज भाई हिम्मत सारा काम घुमा के परे फेंक देंगे, है ना, के काम को खत्म करेंगे, मुकम्मल करेंगे, काम मुकम्मल हो गया ऑलरेडी, ये तो बस है आपकी वो क्या कहता से टिप टॉप की सेटिस्फेक्शन आपकी नजरों की तस्कीन के लिए। ओह माय गॉड, वो कहते हैं ना कि अभी मैं दिखाऊं कहां कहां से क्या क्या होने वाला है। अभी वो कहते हैं ना कि मालिक जो होते हैं मतलब बॉस जो होते हैं वो कभी खुश नहीं होते, अगर खासतौर पर अगर वर्कर जो है वो वेला हो तो, इस वजह से बिजी है बस। वेला लाहौल वाला कुवत, ये पोर्शन चेक करें, सारा खुले का खुला पड़ा है, वो पोर्शन चेक करें, वो पोर्शन लाइट के पीछे चेक करें, और अभी जो वो मैं बुरा मत यार, आपने कौन सा शाइन यहाँ पे लाके इधर से निकल जाए यार, वो छोटे छोटे बर्ड्स है ना अभी जो है तो वो ऊपर से निकल जाएंगे ना जहाँ से उनको रास्ता मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता कि हमें उनकी बेचारों की जिंदगी खराब हो मैं चाहता हूँ वो हमारे पास रहे, खाते पीते रहे, फले फूले। आमीन। चल रही है विद बाबा जानी एंड बाबा कुंडी खोलो, इधर आ जाओ, इधर उधर खेलो जाके मैनी के साथ, क्या नहीं इधर क्या करना है आपने, आगे क्या करना है पता नहीं क्या बहाना है, क्या करना है, इधर नहीं आना, नहीं तो नहीं बैठना, उधर ही बैठो अंदर जाके जारा के पास, इधर वाला ही बंद कर दिया और ये वाला भी जो बंद कर दिया, क्योंकि अब्दुल्ला के जब चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे थे, कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था कभी बाहर गली के अंदर, एक तो ठंड बहुत ज्यादा और दूसरा यहाँ पे आके चीजों को छेड़ रहा है और एमी जो है वो उसको लग सकती है और काम में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए जो है उसका वहां पे बंद किया है, लेकिन यह कि बेचारे को सबर नहीं आ रहा, यहाँ पे आगे भी आके थोड़े के साथ लगा हुआ था और बाल बाल बचा था पैर पे गिराने से। अब्दुल्ला जो है वो लकड़ी ठीक कर रहा है, हो गई है ठीक, हो गई है ठीक, कर दो कर लो, हाथ हाथ पे लग जाए, नहीं हाथ साइड पे कर लो, हाथ पे लग जाएगी। और बाबा जो है वो जाली ठीक कर रहे हैं,
बाप लोहा ठीक कर रहा है, बेटा लकड़ी ठीक कर रहा है। बाप बेटा मिलके काम करेंगे। वो देखो बैठ ही गया वो तो। सही करके ही छेड़ना आज। देखो ऐसा स्पिरिट चाहिए, आपकी तरह थोड़ी है वो बार बार भाग जाए, रोजाना थोड़ी भाग जाता वो। बाबा भाग गए हो, बाबा भाग गए। तो जी माशाल्लाह ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, होप सो आज इंशाल्लाह जब हो जाएगी काम कंप्लीट। दूल्हा साहब जब वो दानों की ट्रे निकाल के बाहर आ गए हैं, अब इसको दोबारा अंदर रखते हैं। वो क्यों बाहर निकाली, आपने खानी थी? नहीं। तो फिर क्यों निकाली है? वो तो अंदर गई है, आपने ये दाने क्यों बाहर निकाले हैं? क्यों निकाले हैं बाहर, इसको अंदर रख दो। नीचे वाले को तो नहीं पता लेकिन इसका शायद अंदाजा हो गया, उसको ये बार बार खोल लेता नीचे वाले का। रख दिए, गुड। अब बाहर नहीं निकालना, अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब डाल लिया वह पानी, अब्दुल्ला पानी डाल दिया, सुबह बाहर आ जाओ। नीचे डो काटी करेंगे बर्ड से, काटेंगे आपको। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, तो काटी कर देंगे। ओ ना डराओ उन्हें, बाबा क्या कर रहे हैं, वो आ जाओ पीछे। ये कौन है? अब्दुल्ला भाई। तो ये कौन है? अब्दुल्ला। तो जाओ, मां बुला रही है आपको, जाओ। नहीं। हाँ जी आते जाए वो। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक काम जो वो कंप्लीट कर ली, इनके परली साइड सारी कंप्लीट होगी, ये वाली साइड सारी कंप्लीट होगी, अब रह गई है वो वाली साइड, एक वो गार्डर के साथ से और दूसरा जो है वो जो छत होगा उसके साथ साथ की जो बाउंड्री रह गई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केज जो वो सारा कंप्लीट हो गया, यानी कि इतना कंप्लीट हो गया कि इसके अंदर हम परिंदे छोड़ सकते हैं। अभी नहीं, ऊपर का करने के बाद। कौन सा ऊपर का? छत के साथ वाला, वो बड़े सुराख है फिर भी इस तरह से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए अभी ऐसे नहीं छोड़ते उनको। उनका केज वगैरह भी वो जो होता है ना, वो कुज्जी वगैरह भी सारी चीजें रख के ना एक साथ, दाना पानी हर चीज का अरेंज करके, तो फिर उन्हें छोड़ने। वैसे नहीं, गॉट इट। संडे वाले दिन मैं इधर सीमेंट लगा दूंगा आपको, ठीक? ओके। किस दिन इनको खोलना है? जब वो काम करते करते छोड़ के चले गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह केज जो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि केज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी फिनिशिंग है, और उसके अलावा जो वक्त के साथ साथ टिप टॉप की जरूरत पड़ेगी वही रह गया, और अल्हम्दुलिल्लाह केज कंप्लीट हो गया।